नमस्कार, जमशेदपुर की पांच खबरों के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में आज महानगर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से किया कहा गया कि पिछले दिनों गोलमुरी के नानक नगर में धर्म परिवर्तन को लेकर दो गुटों में हुए मारपीट के मामले में एक विशेष संगठन के लोगों पर कार्रवाई किए जाने का विरोध किया गया। भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि इस मामले में पुलिस के द्वारा आरोपी को छोड़ दिया गया है, जबकि हिंदू संगठनों को लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस मामले की जांच की मांग भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है कि हिंदू समाज के विरोध में जिस प्रकार जिला प्रशासन के द्वारा 150 लोगों के ऊपर में मुकदमा दायर किया गया है, उसके विरोध में हम लोग आज DC को ज्ञापन देने आए थे। संबंधित पदाधिकारी को ज्ञापन देते हुए हम लोगों ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आज एक ज्ञापन देने के कार्यक्रम में अगर इतनी संख्या आ सकती है तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारी मांगों को आपने पूरा नहीं किया, 150 झूठे लोगों के ऊपर में जो मुकदमा दायर किया गया है, जो धर्म परिवर्तन करने वालों को आप बचा रहे हो और दूसरे तरफ धर्म बचाने वाले को आप जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहते हो, इस प्रकार का कुकृत्य भारत में अब चलने वाला नहीं है। यह सरकार जब से बनी है हेमंत सोरेन जी की सरकार, तब से फिर तब परस्ती लोग यहाँ पर उन्माद करने लगे हैं। धर्म परिवर्तन जोर से है, चाहे बिरसा नगर हो, चाहे गोलमुरी हो, चाहे सुनारी हो, चाहे रामनगर हो, चाहे श्याम नगर। इसलिए आज के दिन में हम लोगों ने DDC साहब को ज्ञापन देकर के कहा कि अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो विवश होकर के हम लोग उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे और वह संख्या इतना होगा कि प्रशासन और सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे। उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। आज दुर्गा पूजा में अगर आंदोलन होता है तो बिरसा मुंडा जी के पावन धरती पर जो धर्मांतरण का नंगा नाच चल रहा है उसका लेके जो है हम लोग DC साहब को ज्ञापन देने आए थे। और रवि पास्टर जो ये धर्मांतरण का खेल जो है खुलेआम कर रहा है, इस पर प्रशासन रोक नहीं लगाती है, तो आने वाले समय पर हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं, कल जो है आंदोलन का रूप देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतरेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग शहर भी बंद करवाएंगे। इसलिए DC साहब से लोकतांत्रिक जंग से हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि जो 150-200 लोगों के ऊपर में जो केस आपने किया है धर्म के बचाने के लेकर, उसका केस को वापस किया जाए, अन्यथा जो है हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और जो रवि पास्टर के यहाँ पर जो घटना घटित हुई, जो महिला केस की है उनके ऊपर में भी केस हुआ है, वो महिला आई हुई है हमारी दीदी साई जी, आप इनसे। वहीं जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमशेदपुर के सुनारी पुलिस ने गांजा के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। लांगरगढ़ नशीली पदार्थ का सेवन कोविड के बाद ज़्यादा होने के स्थिति में हम लोग पूरे जिला शहर को 4 जोन में बांटकर DSP के नेतृत्व में और हर थाना से, कहीं थाना प्रभारी कहीं JSA ऑफिसर के नेतृत्व में हम लोग गुप्त सूचना आधार पर रेड करने के लिए टीम गठित किए गए थे। और इसमें एक टीम जो है किसी भी थाना में क्षेत्र के अंदर जाके रेड कर सकती हैं, जैसे भी हम लोग उसमें प्रावधान किए थे। तो उसमें हम लोगों को कल गुप्त सूचना मिला है, सोनारी न्यू ग्वाला बस्ती में दो घर में गुप्त सूचना, गुप्त ये लोग जो है गांजा बिक्री करने की बात हो रही थी। तो उसी में मुख्यालय 2 हेडक्वार्टर जो है उनके नेतृत्व में सोनारी थाना प्लस उसके अलावा हम लोग को जो सेंट्रल टीम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बनाया गया टीम है, इन लोग को जॉइंट संयुक्त छापामारी में दो घर पे छापामारी किया गया, दिनेश सिंह और अरविंद सिंह उर्फ काला बिगारी उर्फ छोटू। तो इनके घर से एक घर से करीब 4.9 किलोग्राम मतलब 5 किलोग्राम की मात्रा और दूसरा घर पे करीब 6 किलोग्राम की मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। और ये लोग भी अपने स्वीकारती बयान में एक्सेप्ट भी किए हैं कि हम जो है अनिल सिंह नामक एक व्यक्ति है जो बड़ा व्यापारी है, पहले भी हम लोग इनके ऊपर केस वगैरह कर चुके हैं और इनके द्वारा इनको सप्लाई किया जाता है और ये लोग जो है लोगों को सप्लाई करते हैं, जिसमें नशीले पदार्थ लेने वाले हैं जो नशीले पदार्थ सेवन करते हुए सगर के जो है अन्य जगहों पर कुछ कांड वगैरह करने के, मारपीट करने के, गाली गलौज करने की शिकायत मिलती रहती है।
तो उन लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं कल शाम में। और इसमें दिनेश सिंह जो है सेम कांड में पिछले साल जून महीना में जेल जा चुके हैं, और दूसरा आदमी है पहली बार जो जा रहे हैं अरविंद सिंह है और काला बाजारी उर्फ छोटू है, ये पहली बार जेल जा रहे हैं। और इसमें हम लोग के लिए काफ़ी अच्छे मात्रा में मिला है गांजा, और आगे भी हम लोग को जो है अपना अभियान जारी रख रहे हैं। और कुछ दिन पूर्व हम लोग मांगों में किसी मेडिकल दुकान में हम लोग नशाली पदार्थ का हम लोग रेड करवा के ड्रग इंस्पेक्टर के साथ हम लोग छापामारी करके उनको भी हम लोग जेल भेजे थे। तो ये निश्चित रूप से जो लगातार ये कार्रवाई करने में हम लोगों का जो नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले के जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और इसमें ओवरऑल जो है कमी देखने को मिलेगी। कहाँ से लाते हैं ये माल? वहीं आज जमशेदपुर के उत्पाद विभाग के द्वारा शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में देसी और विदेशी शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान बिरसानगर परसुडी सहित कई इलाकों में बन रहे अवैध रूप से देसी शराब के अड्डों को ध्वस्त किया गया। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं जमशेदपुर में आज कोविड के 2 मामले सामने आए हैं। वहीं 7 लोगों को आज छोड़ दिया गया है, जबकि अभी भी 56 लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत है। वहीं भारतीय जन मोर्चा के पश्चिम विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आगामी 6 मार्च को होने जा रहा है। यह सम्मेलन जमशेदपुर के मानगो में होगा। इसकी तैयारियां भारतीय जन मोर्चा के द्वारा शुरू कर दी गई है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक सरयू राय करेंगे। कि 6 तारीख रविवार 11 बजे राजस्थान भवन में हम लोग जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक सरयू राय जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी वहाँ उपस्थित रहे। और जो भी मानगो या पश्चिमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएँ हैं उस पर वहाँ पर विचार विमर्श किया। ये कार्यकर्ता सम्मेलन 3 सत्र का है, जिसमें उद्घाटन सत्र है, प्रस्ताव सा संबोधन है और समापन सत्र। समापन सत्र में माननीय विधायक सजी राय का भाषण होगा, मार्गदर्शन देंगे हम लोग, और जो भी समस्या पूरे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में है उसके बारे में चर्चा होगी और कैसे उसका निदान होगा। जो भी सरकार चल रही है, जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा जो काम करने का जो तरीका है, अभी वहाँ की जो जनता है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की पूरी त्राहिमान और देख रही है, मतलब हमारे जो विधायक सरयू राय जी पूर्वी से हैं उनके तब देख रही है कि इनके मतलब से कुछ ऐसा हो वहाँ के लिए, जनता के लिए आवाज़ उठे कि वहाँ जो अभी राजनीतिक एक क्या कहा जाएगा उसको सुन सा पड़ गया है, इसके चलते इनके तरफ लोग देख रहे हैं कि वहाँ के मुद्दे उठाएंगे जिससे कि आम लोग का वहाँ काम अपना पूरा पकड़। आप जानते हैं कि आज अपराध के मामले में चाहे छिनतई है, डकैती है, चोरी है और सारी जो घटनाएं हो रही है, नशा का देख लीजिए क्या मतलब कि कितना बढ़ गया है, इस सारा चीज़ को देखते हुए ये सारी बातें वहाँ आएगी प्रस्ताव में। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं जमशेदपुर की 5 खबरों के साथ। तब तक हमें आज्ञा दे, नमस्कार।